दिस इज स्वीट सैम। तो कैसे आप सब लोग गाइस, आज बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। हर बार की तरह आज फिर पांच मिस्टेक बताएंगे जो आप बैक वर्कआउट के दौरान लगाते हो। तो आज बैक के दौरान पांच मिस्टेक बताएंगे जो आप घर पे लगाते हो। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जो आप घर पे करते हो या जिम में करते हो। तो ये पांच मिस्टेक बहुत कॉमन सा मिस्टेक होगा, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये ना चाहते हुए लग जाता है लोग, कई लोग जानबूझ के लगाते पता ही नहीं रहता है ये क्या कर रहे हैं। ओके, तो बताएंगे पांच मिस्टेक, तो वीडियो में बने रहिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं वीडियो में। कैसे लेंगे अपने फर्स्ट एक्सरसाइज वो होगा सेम वेरिएशन। सभी एक्सरसाइज की तरह इसमें भी आप लगाते हो सेम वेरिएशन। बैक में क्या होता है, आप ले लिए ये डंबल। ओके, इससे आप मार रहे हो डंबल रॉ ऐसे। ओके, ऐसे मार रहे हो। फिर आएंगे बारबल से भी सेम मारेंगे, ये पकड़ लिए। इसमें क्या हो रहा है, दोनों सेम मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, इससे भी आप वही लगा रहे हो। इसका आप ये जो होता है ये भाग आपका ट्रैप यही होता है और ये से भी यही होता है। तो सेम चीज़ है, आपको ये मारना है तो आप अलग अलग दिन लगाइए। ओके, सेम दिन सेम वेरिएशन मत लगाइए। और रॉ में भी आप रूप रॉ में मार रहे हो, खींच रहे हो इससे और उसके बाद क्लोज ग्रिप से खींच रहे हो। ओके, समझ रहे हो, तो दोनों में एक ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो सेम डे सेम वेरिएशन मत करिए। समझ रहे हो आपको मलाना है तो हफ्ते में आप दो दिन लगाते होगे बैक, तो एक दिन आप इससे लगा लीजिए और एक दिन डंबल से लगा लीजिए। ओके, तो सेम दिन सेम मत करिए क्योंकि समय की बर्बादी होता है और मसल डेवलप हो नहीं पाता क्योंकि आप सेम वेरिएशन कर रहे हो, इससे भी उससे भी कोई फ़ायदा है नहीं। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट मिस्टेक। चलेंगे सेकेंड मिस्टेक पे। कैसे चलेंगे अपने दूसरे पॉइंट में होगा डेड लिफ्ट। मारना बहुत ज़रूरी है बैक वर्कआउट में, जिससे आपका कोर मजबूत होता है। जो बैक ट्यूरियस मसल है, ये बैक ट्रैप, ये सारे एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझ रहे हैं, बैक वर्कआउट में। जैसे आप ये डेड लिफ्ट लगाते हो, ये हुआ ऐसे स्क्वीज करना है, स्लो से कॉन्ट्रैक्ट करना है। इससे देख रहे हो पूरा ट्रैप जो मसल है पूरा ट्रेन हो रहा है। ओके, जिससे आपका ये वाला जो भाग है पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको आप स्क्वीज करते हो और ये वाला मसल बीच का जो होता है ट्रैप, यहाँ से यहाँ तक ट्रैप रहता है, सिर्फ ऊपर में ही नहीं रहता है, यहाँ तक ट्रैप बीच में आया रहता है। तो ये सारे एक बार में डेडलिफ्ट में पूरा परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे आपका ये जो वाला भाग है बहुत बड़ा हो जाएगा, तब आपका बैक दिखेगा। तो बैक वर्कआउट में डेडलिफ्ट मारना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर मारिए अपने बैक वर्कआउट में। और चलेंगे अपने थर्ड मिस्टेक पे। ओके, तो गाइस चलेंगे अपने थर्ड एक्सरसाइज पे, मिस्टेक पे, वो होगा होल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी भी मसल को। बैक एक बड़ा मसल है जो आपने पीछे से नहीं देख पा रहे हैं कि आपको अब स्ट्रेच हो गया, अब इसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, छोड़ना है। चेस्ट में भी आप आगे रहते हो तो देख लेते हो कितना अपना मसल स्क्वीज हो रहा है, आप कॉन्ट्रैक्ट हो गए पूरा, अब छोड़ रहे हो। लेकिन बैक में पीछे में आपको दिखाई नहीं देता, तो आपको मसल एंड माइंड पे एकदम कमांड रखना है। ओके, जैसे ये देखिए होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे रखते हैं। ओके, जैसे ये आप मार रहे हैं वन हैंड रो, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे होल्ड करना है, पूरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद नीचे स्लो छोड़ना है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट करना है होल्ड, अपने माइंड को यानी मसल एंड माइंड पे पूरा कमांड, उसके बाद नीचे एक सेकेंड होल्ड, पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिए मसल को, उसके बाद नीचे। पूरा स्क्वीज एंड स्ट्रेस पे यहाँ पे कम करना है। ओके, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मार रहे हैं, पूरा मसल स्क्वीज हो नहीं रहा है, उसके बाद मार रहे हो आप, तो कोई फायदा है नहीं। तो पूरा स्क्वीज एंड स्ट्रेच। ओके, यहाँ पे एक सेकेंड होल्ड करना है, उसके बाद स्ट्रेच, तब ये जो आपका मसल स्ट्रेच होगा
वहाँ से मसल टूटेगा तब वहाँ पे डेडलिफ्ट होगा। इसी तरह आप डेडलिफ्ट में भी या बैक में भी मार सकते हो। जैसे ये हो गया, आप बैक में देखिए ऐसे करते हो स्क्वीज एंड स्ट्रेच, पूरा मसल को स्क्वीज करना है होल्ड करके, उसके बाद आपको नीचे छोड़ना है, ओके, तब आपका मसल डेवलप होगा, ओके। तो इस पर ध्यान दीजिए, आपको स्क्वीज एंड स्ट्रेच पे काम करना है तभी आपका मसल डेवलप होगा, ओके। तो चलेंगे अपने फोर्थ मिस्टेक। फोर्थ मिस्टेक वो होगा टू मैनी वेरिएशन। सभी एक्सरसाइज की तरह इसमें भी आप बहुत सारे एक्सरसाइज लगाते हो। बैक की वर्कआउट में बहुत सारे वर्कआउट करने की ज़रूरत है नहीं, बैक एक बड़ा मसल है, लेकिन कितना लोग लगाते हैं 8-10 सेट लगा लेते हैं, रेपिटेशन लगा लेते हैं अलग अलग एक्सरसाइज के एक ही दिन में, तो इतना लगाने की ज़रूरत है नहीं। आप मार सकते हो, आप डंबल रो मार सकते हो, एक आप पुल ओवर मार सकते हो, ओके, बैक मार सकते हो, तो आप एक डेडलिफ्ट कर सकते हो, ओके। तो 3 से 4 एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ओके, ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। आप अच्छा से आप बैक मार लीजिए बेंड ओवर करके, ओके, ये इससे आपका मसल पूरा कंट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। एक ये मार लीजिए आप, एक मार लीजिए डंबल रो मार लीजिए वन हैंड, ओके, जैसे ये हो गया, आप इससे भी मार सकते हो, एक ये मार लीजिए, दो तीन सेट लगाइए और पूरा कंट्रोल में लगाइए, बैक अपने आप पूरा हो जाएगा, ओके। तो ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत है नहीं, 2-3, और डेडलिफ्ट तो ज़रूर लगाइए, ओके, जिससे आपका पूरा बैक पूरा एकदम मसल एक्टिव हो जाता है, ओके। ज़्यादा की कुछ की ज़रूरत है नहीं, 2-3 सेट लगाइए, बहुत सारे लगाने की ज़रूरत है नहीं। आपको लगाना है तो हफ्ते में 2 दिन लगाते होगे, तो 3-4 सेट आज लगा लिए, 3-4 सेट अगले दिन, ओके। तो एक ही दिन करने की टू मैनी वेरिएशन ज़रूरत है नहीं, बहुत सारी वेरिएशन की ज़रूरत है नहीं, 3-4 सेट बहुत हो गया। तो चलेंगे अपने लास्ट मिस्टेक पे, ओके। तो गाइस चलेंगे अपने लास्ट मिस्टेक वो होगा अपना रेंज ऑफ मोशंस। रेंज ऑफ मोशन सभी वर्कआउट में अपना काम करता है। देखिए रेंज ऑफ मोशन करने का मतलब आप हैवी वेट ले लेते हो, जिससे आपका फुल रेंज मोशन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच या स्ट्रेच पे काम नहीं करता है, तो आपको स्ट्रेच पे काम करना है, पूरा स्क्वीज कराना है। जैसे ये आप मार रहे हो, ओके, ये बैक मार रहे हो, तो आप हैवी वेट ले लियो, आप बस इतना ही जा रहे हो, पूरा स्क्वीज नहीं हो रहा हो, तो आपको फुल करना है ऐसे, ओके, स्क्वीज एंड स्ट्रेच, रेंज ऑफ मोशन से काम करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन से, ओके, फुल तक जाना है आपको, ये नहीं आधे में ही लगाना है, जिससे आपका मसल स्क्वीज ही नहीं हो रहा है। तो ये स्क्वीज नहीं होगा तो कैसे ये डेवलप होगा, तो आपको स्क्वीज भी कराना है, कोई भी आज बैक है, बैक में बाइसेप है, तो बाइसेप में सभी एक्सरसाइज में आपको फुल रेंज ऑफ मोशन से वर्कआउट करना है, तभी आपका मसल डेवलप होगा, समझ रहे हो। तो ये था हमारा आज का 5 मिस्टेक जो आप बैक के दौरान लगाते हो। तो ये 5 मिस्टेक आपको अगले दिन से अपने बैक के वर्कआउट में नहीं लगाना है, चाहे वो घर पे कर रहे हो या जिम में कर रहे हो, कहीं पर भी ये सारे मिस्टेक को नहीं दोहराना है, क्योंकि आप बहुत टाइम लग जाता है बैक बनाने में, समझ रहे हो। तो ये काफ़ी कॉमन सा मिस्टेक था, आप लोग जाने अनजाने में करते होंगे, ओके, तो ये सब नहीं करना है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट ज़रूर करिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, या कोई दिक्कत है हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, ओके। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाबा से वीडियो लाएंगे घर पे, और सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।